वॉलीबॉल का इतिहास क्या है, वॉलीबॉल का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, भारत में वॉलीबॉल खेलना कब शुरू हुआ, अगर यही क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हो ना तो ये वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द किंजल्स चैनल ड्रीम स्कूल। तो बिना समय बिगाड़े शुरू करते हैं वॉलीबॉल का इतिहास। वॉलीबॉल जिसे मूल रूप से मिंटनेट कहा जाता था, 1895 में विलियम जी मॉर्गन द्वारा केवल 4 साल पहले बास्केटबॉल के आविष्कार के बाद आविष्कार किया गया था। विलियम जी मॉर्गन YMCA के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के स्नातक बने, फिर खेल को बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस और हैंडबॉल के संयोजक के रूप में डिज़ाइन किया। हालांकि अल्फ्रेड हल्टन ने बाद में उसका नाम बदलकर वॉलीबॉल कर दिया था, क्योंकि खेल का उद्देश्य गेंद को एक नेट पर आगे पीछे करना था। वॉलीबॉल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय हाल्टर्ड को दिया जाता है। अल्फ्रेड हाल्टर्ड ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज द्वारा आयोजित YMCA स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में 1896 के प्रीमियर के दौरान खेल के अधिक सटीक प्रतिनिधि के रूप में वॉलीबॉल ऐसे दो शब्द का सुझाव दिया था। परंतु खेल का आविष्कार कैसे हुआ? जो हमने आगे देखा, खेल का आविष्कार वर्ष 1895 था। विलियम जी जो भौतिक निर्देशन बन गए थे, बाद में उन्हें खेल के लिए एक समस्या थी। ये खेल सिर्फ सज्जन ही खेलते थे, बिना शारीरिक हलन चलन या उछलते बिना। ये खेल का उद्देश्य शारीरिक होना था, तभी ये खेल इतना आक्रामक नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने खेल के लिए उधार लिया, जैसे बास्केटबॉल से गेंद ली, टेनिस से नेट ली, हाथों से लटकने की क्षमता हैंडबॉल से उधार ली और बेसबॉल से पारी की अवधारणा ली। उन्होंने खेल को मिंटनेट करार दिया, और हालांकि ये अधूरा था, यह अगले साल स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में आयोजित YMCA शारीरिक निर्देशक सम्मेलन में दर्शकों को जीतने के लिए पर्याप्त सफल साबित हुआ। यह स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अल्फ्रेड हेल्स्टन ने वर्तमान नाम के दो शब्द का सुझाव दिया, वॉलीबॉल, और वह अटक गया। यह 25-50 के छोटे कोर्ट में खेला गया था, जिसमें असीमित संख्या में खिलाड़ी बॉल को असीमित संख्या में मारते थे। 6 फीट 6 उच्च नेट को दोनों ओर थोड़ी भीड़ पाने के लिए होती थी। प्रत्येक खेल को 9 पारियों में विभाजित किया गया था। यदि किसी सर्व करने पर नेट के ऊपरी नहीं पहुंचती थी तो दूसरे खिलाड़ी द्वारा नेट पर मदद की जा सकती थी। मूल रूप से उपयोग किया जाने वाला बास्केटबॉल बहुत भारी साबित हुआ, और बाद में बास्केटबॉल का उपयोग ये खेल के लिए कम हो गया। मॉर्गन ने एक स्थानिक खेल को समान बनाने वाले एजिस प्लेनिंग के संपर्क से याद दिलाया, जिससे गेंद को विशेष तैयार की थी, जो रबर को चमड़े से घिरी हुई 25 परिधि में बनाई गई थी। हालांकि अभी खेल काफ़ी विकसित हो गया है, और YMCA के शासनकाल के साथ मॉर्गन को विश्वास था कि वॉलीबॉल मनोरंजन करना जारी रखेगा। उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने वह खेल बनाया है जो दुनिया में दूसरा सबसे लोकप्रिय टीम खेल बन गया। अभी हम देखते हैं भारत में वॉलीबॉल का इतिहास क्या था। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1951 में हुआ था। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन से पहले खेल को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियंत्रित किया गया था, और उस समय हर 2 साल में इंटरस्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। 1936 से 1950 तक केवल पुरुषों के लिए पहली चैंपियनशिप वर्ष 1936 में लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, वहां आयोजित की गई थी। 1951 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, और उसकी पहली बैठक लुधियाना, पंजाब में आयोजित की गई थी। हालांकि वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जो पूरे भारत में खेला जाता है, ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में। यह एक लोकप्रिय मनोरंजन खेल है। भारत एशिया में 5वें और 2013 में दुनिया में 27वें स्थान पर था। युवा और जूनियर स्तरों में अच्छा करते हुए भारत 2003 की विश्व युवा चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर आया था। वर्तमान में खेल के लिए बड़ी समस्या प्रायोजकों की कमी है।
भारतीय पुरुष टीम वर्तमान में दुनिया के 131वें स्थान पर है।